I'm Dr. Millie Matthew, Senior Consultant in Nephrology, MGM Healthcare, Chennai. And we are conducting a Nephrology OPD at Pillar Hospital, Port Blair. And I'm coming there every month. And people with diabetes, hypertension, and protein in the urine or albumin in the urine and blood in the urine, and those who are diagnosed to have chronic kidney disease, and those who are in dialysis, those who are waiting for transplantation, can come and consult me there in Pillar Hospital. नमस्कार, मैं यमी न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है जीबी पंत अस्पताल के पीछे हैं और हमें सूचना मिली कि सीसीएस की टीम जो यहां पे पहुंची है और कुछ यहां पे कॉन्ट्राबैंड ड्रग्स बरामद हुए जो इन्होंने अब तक जमा कर रखे। अभी पिछले कुछ दिन पहले आपने देखा तकरीबन 150 किलो तक यहाँ यहीं पर डिस्पोज किया गया और आज फिर यहाँ पे लगभग 15 किलो तक डिस्पोज होने की बात हो रही है। हम धन्यवाद करेंगे हमारे सीसीएस की टीम की जो है लगातार ऐसे कॉन्ट्राबैंड को जब्त करके उसे डिस्पोज करने का कार्य करते जा रहे हैं। हम आपको वो डिस्पोजिंग यूनिट भी दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि यही वो डिस्पोजिंग यूनिट है जहां पे ये तमाम जो कॉन्ट्राबैंड्स को जो है डिस्पोज किया जाता है, उनको जला दिया जाता है। साथ ही हम हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, खासकर जो CCS है, सेंट्रल क्राइम स्टेशन, इनकी टीम को भी धन्यवाद करते हैं जो हमारे अंडमान निकोबार में इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ड्रग्स के केस को पकड़े और इसे उड़ता अंडमान बनने से बचा सके। इनकी मेहनत हमें आए दिन अखबारों के जरिए, न्यूज चैनल के जरिए पता चलती ही रहती है कि कहां कहां पर इनकी टीम्स ने जो है छापे मारे हैं, कहां कहां पर पकड़े हैं और फिर ये बाकायदा प्रेस के सामने जो है एक जगह जो है जमा करके उसको डिस्पोज करते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ड्रग्स यहाँ पे जब्त की गई है, इसको डिस्पोज करने के लिए रखा गया है। इनका वजन किया जाएगा और इनको पीछे जो डिस्पोजल मशीन है इस पे डालकर जीबी पंत के पीछे इसे पूरी तरीके से जलाकर रख कर दिया जाएगा। और ये सब जो है DIG लॉ एंड ऑर्डर वर्षा शर्मा जी, इनके उपस्थिति में हो रहा है और तमाम जो CCS की जो टीम है वो भी यहाँ पे मौजूद है। जैसा कि आपने देखा था कि 16 तारीख को भी हम लोगों ने नशा मुक्त अभियान के तहत NDPS केस प्रॉपर्टी का कोर्ट से ऑर्डर के बाद डिस्पोजल किया है। उसी कड़ी में आज भी हमने ये जो मैथ का जो बाकी केस प्रॉपर्टी बची हुई है उसका हम लोग डिस्पोजल कर रहे हैं। इसमें सारे प्रावधानों का ध्यान रखा गया है और प्रोसीजर्स को फॉलो करके कमेटी के द्वारा ये डिस्पोजल हुआ है। हम हमारे अंडमान के द्वीपवासियों से भी ये गुजारिश करेंगे कि कृपया अगर आपको ऐसी कोई भी जानकारी मिलती है जहाँ पे आपको ये पता चलता है कि यहाँ पे जो है ड्रग ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, यहाँ पे किसी भी किस्म की जो है अवैध चीज या ड्रग्स, जैसे कई प्रकार के जो ड्रग्स हैं जैसे गांजा है, मेथामफेटामाइन है या जो भी नशीले पदार्थ है, इनको कहीं पे स्टोर करके रखा जा रहा है, इनकी कहीं पे डीलिंग हो रही है, तो ये सारी जानकारियां जो है आप CCS में दे सकते हो। पुलिस के साथ साथ ये हम आम जनता का भी फर्ज है कि अगर उन्हें कोई भी ऐसी जानकारी मिलती है जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि किसी भी प्रकार की कॉन्ट्राबैंड ड्रग या नशीली पदार्थ छुपा के रखी गई है, उनकी डीलिंग्स हो रही है, तो आप जो है 112112 इस नंबर पे डायल करके इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और मैं आप लोगों को एक मोबाइल नंबर भी शेयर करना चाहूँगा, आप सब जो है अपने फ़ोन में सेव करके रख सकते हैं। नार्को से रिलेटेड, ड्रग से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी आपको देनी है तो आप जो है 9531856080 9531856080 इस नंबर पर जो है आप कॉल करके जानकारी दे सकते हैं। और यकीन मानिए कि आपकी जो भी पहचान रहेगी उसे गुप्त रखा जाएगा, आप एक जो है जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज भी निभाओगे। ये हमारा कर्तव्य है कि हम जो है अपने समाज को अच्छा रखने के लिए
हमारी CCS टीम, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट की भी मदद करे ताकि हम अपने अंडमान को पूरी तरीके से नशा मुक्त बना सके। और साथ ही हम जो है हमारी आने वाली पीढ़ी है, हम उनको एक ऐसा अंडमान दे जहाँ पे उन्हें ड्रग्स का जो खतरा है इससे हम बचा सके, उन्हें एक साफ सुथरा अंडमान दे सके। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।